सभी को प्यार और पलक। कैसे हैं आप लोग? और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई या शुभकामनाएं। तो आज है अष्टमी, हम मनाते हैं अक्सर दीपावली में दिए जलाते हैं, लेकिन आज हम मनाएंगे अष्टमी को दिए जलाएंगे और अष्टमी को ही दीपावली मनाएंगे। शायद एक बार जब कोरोना आया था तब मोदी जी ने भी मंदिर में टेप दे गया, तो मोदी जी ने भी दिए जलाए थे ताकि कोरोना भागे, घर घर में उजाला हो। तो इसी तरह आज पंकज महाराज गिरी है, हमारे बढ़री के महाराज हैं, तो उन्होंने बोला है माँ दुर्गा से प्रार्थना करो, अष्टमी को ही आज हम दिए जलाएंगे, खूब जम के दीपावली मनाएंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं अष्टमी की दीपावली, नवरात्रि की दीपावली, और हम भी देखते हैं। और आज हो रहे हैं हमारे वहाँ बर्पण, तीन चार लोगों के भी मंदिर में बर्पण हो रहे हैं। मैं तो सुबह गई नहीं थी, बहुत काम हो जाता है हमारा, तो मैं वो रैंस वैंस तोड़ के लाई हूँ तो मैं नहीं गई। तो मैं अब जा रही हूँ मंदिर में। शाम को हमारे वहाँ आज बच्चों द्वारा प्रोग्राम भी हो रहे हैं, राधा कृष्ण बच्चों ने वहाँ भाग लिया है, तो वो प्रोग्राम भी होंगे। तो बने रहें, आज की वीडियो प्लीज़ मिस ना करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको दिखाने वाले हैं अष्टमी के दिन दीपावली और दूसरा प्रोग्राम दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें। थोड़ी देर भागवत की वीडियो बनाएंगे, उसके बाद सीधे शाम को प्रोग्राम और दिए जलाने का। तो घर से हमने पिछड़ा विछड़ा पहन के जाना है 8 बजे। वीडियो तो कल आएगी, लेकिन आप बने रहें और तो आप इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। दिखाते हैं क्या क्या होता है। तो चलने लगे हैं हम मंदिर, बड़ी मस्त वाली धूप लगी है। खासी बहुत दिन हो रहे हैं, आज ब्लॉग में नहीं आई थी तो इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे आ रही है एक दीदी। तो दोस्तों भागवत से आ गई हूँ, अभी है हमारे वहाँ त्योहार, थोड़ी देर त्योहार मनाते हैं, उसके बाद 8 बजे जाना है हमने आज दिया। तो दोस्तों फटाफट से खाना बना लिया है, अब करते हैं पूजा पाठ, उसके बाद फिर थोड़ी देर में टाइम भी हो जाता है, तो पहले घर में पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि आज हम 9 खाते हैं अंगनाई, जो गेहूँ फर्स्ट वाले होते हैं उनको हम अलग से रखते हैं, तो उन्हीं का आज खाना बना है, पूरी हलवा। तो फटाफट से पूजा करके खाना खा के फिर चले जाते हैं मंदिर। तो खाना खा लिया है, अब जाते हैं मंदिर में। 8 बजे बुलाया है तो 7:45 हुए हैं, तो चलते हैं और दिखाती हूँ घी के दिए। यहाँ पे मैंने घी के दिए तैयार कर दिए हैं, 2 ले जा रही हूँ मैं। तो चलते हैं मंदिर और नवरात्रि में दीपावली का आनंद लेते हैं। तो दिए तो मंदिर में ही जलेंगे, क्योंकि यहाँ से जला के ले जाऊँगी तो बुझ जाएंगे रास्ते में, हवा चली है बाहर बहुत। तो चलते हैं सीधे, आपको भी दिखाते हैं नवरात्रि की दिवाली कैसी होती है। बने रहे मेरे साथ, और प्लीज़ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, बहुत ही फनी वीडियो होने वाली है, क्योंकि दीपावली भी मनाने वाले हैं, साथ में बच्चों का प्रोग्राम, आप बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं तो साथ में बच्चों का प्रोग्राम भी देखना है, तो मैं देखूँगी तो जाहिर सी बात है आपको तो मैं दिखाऊँगी, तो बने रहे मेरे साथ। तो मंदिर की चमक धमक हमारे आज के कृष्ण कन्हैया, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। मुरली मुरली सभी से निवेदन है कि
तो नहीं है कि कोई माँ के प्यार का धोखा हो गया। दोस्तों मंदिर से आ गए हैं, मंदिर में पूरा दिखाएंगे आपको। हमारे वहाँ नवरात्रि में दीपावली मनाई है और कितने शानदार तरीके से पंकज गिरी महाराज जी ने जो उन्होंने बताया था उन्हीं के कहने पर हम लोग चले। पूरे तल्लाकोट और मल्लाकोट वाले पूरे जितनी महिलाएं पुरुष सभी दीपावली में शामिल हुए, तो देखना ज़रूर। इसी के साथ वीडियो भी इन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और छोटे बच्चों ने एक से एक प्रोग्राम किए हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक क्लिप पूरा दिखाऊ डालूंगी मैं, तो देखना ज़रूर। पसंद भी करना, कमेंट भी करना और लाइक भी करना। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हुए, बाहर से लोग आए थे, कीर्तन मंडली वाले आए थे, उन्होंने भी एक से एक कीर्तन कहे। बहुत सालों के बाद इतना उत्साह देखने को मिला, तो हमने तो देख लिया, आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। Oh, yeah.